नमस्कार दोस्तों, गाइड एंड अमन में स्वागत है। तो दोस्तों, सवेरे के 5:30 बज चुकी है। आज एक नया डेस्टिनेशन की ओर मैं जा रहा हूँ। तो ये डेस्टिनेशन है शहीद द्वीप, यानी कि नील आइलैंड। तो वहां पे जाने के लिए दो ऑप्शन, एक गवर्नमेंट फेरी, दूसरा प्राइवेट। तो मैं आज गवर्नमेंट फेरी को प्रेफर करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे भी एज यूजुअल स्कैनिंग वगैरह होती है, जिसके बाद फेरी के लिए जाना होगा। तो अभी मैं फेरी की ओर बढ़ रहा हूं। तो चलिए सफर को अब शुरू करेंगे। तो टिकट चेकिंग का ये नॉर्मल प्रोसीजर है। होने के बाद अब मैं अपने बर्थ की ओर बढ़ रहा हूं। नॉर्मली गवर्नमेंट फेरी में जाने का ये एक बहुत ही बेहतरीन फायदा है। आप पूरे के पूरे बाहर का नज़ारा देखकर, सुंदरता को देखकर आगे की ओर जा सकते हो। तो मैं अभी जहाज के ऊपर के हिस्से में हूँ। यहाँ से अब अपनी जहाज सेलिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जहाज फोनिक्स बे हार्बर से निकल चुकी है। गवर्नमेंट फेरीज फोनिक्स बे हार्बर से, साथ ही साथ प्राइवेट फेरी हाइडो वॉफ से डिपार्चर होता है। सामने जो आइलैंड है वो है चाथम सॉमिल, वन ऑफ द बिगेस्ट सॉमिल एशिया के अंदर है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ से अब 2 घंटे के बाद हम शहीद द्वीप पहुंच जाएंगे। तो वहां का भी कुछ अच्छा नजारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, 2 घंटे के सफर के बाद अब हमारा जहाज शहीद द्वीप पहुंचने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ का पानी देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ब्लूइश पानी है। अगर आप लाइफ टाइम में कभी भी अंडमान विजिट करते हो तो शहीद द्वीप जरूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों, शहीद द्वीप पहुंचने के बाद पहला चैलेंज ये है कि जो हार्बर आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर करीब करीब 400 मीटर लंबा हार्बर है। व्हीकल अलाउ नहीं करता आम लोगों के लिए, तो ये पूरा जो है बाय वॉक ही हमें कवर करना होगा। तो देखिए, ये रूम जो मैंने बुक किए थे ऑनलाइन, आप लोग भी इसको चेकआउट कर सकते हो, ऑस्कर रूम्स, अच्छा रूम, साथ ही साथ रेस्टोरेंट भी इसमें अवेल है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो ऑनलाइन। मैं कोशिश करूंगा रूम के अंदर का भी कुछ नज़ारा आपको दिखाने का। तो दोस्तों, शहीद द्वीप का पहला स्पॉट ये है भरतपुर बीच। एक अच्छा बीच है जहाँ का पानी भी बहुत साफ सुथरा है, और यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हो। तो बहुत ही साफ सुथरा पानी है यहाँ का, जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, और साथ ही साथ स्विमिंग वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा पानी है ये। दोस्तों, पहला बीच कंप्लीट करने के बाद अब मैं नेक्स्ट स्पॉट की ओर जा रहा हूँ, जो है लक्ष्मणपुर। एक नेचुरल ब्रिज है वहाँ पे, जो स्टोन का बना हुआ है। जो तो लंच के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट ट्रिप का शुरुआत किया, और
अभी नेक्स्ट वहाँ पे पहुँच गया है। ये यहाँ का पार्किंग है, यहाँ से हम लोगों ने एक गाइड हायर किया जो हमें अभी आगे पूरे दिखाते हुए लेकर आएगा। तो ये जो फुटपाथ है इसके दोनों तरफ आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, नारियल पानी है, जूस वगैरह। तो आगे अभी हम बढ़ते हुए समुंदर के किनारे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारे साथ अभी एक नया गाइड रहेगा, पूर्णा चंद्र देवनाथ। तो हम लोगों ने इनके साथ अभी सफर शुरू किया है। तो समुद्र के किनारे से अब हम जाएंगे नेचर ब्रिज को देखने के लिए। ये जो मैक्सिमम आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा डेड कॉरल्स है, जिसमें बहुत सारे डेड कॉरल्स के बीच में कुछ लाइव कॉरल्स भी है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसको प्योरा पेयर भी बोलते हैं। हाँ हाँ। और इसका साइंटिफिक नेम है पंडनुस। पंडनुस साइंटिफिक नेम। ओके। अरे जो बड़ा पेयर दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। सब सी मुंगवा है। अच्छा। उसका जो फूल होता है उससे देसी दारू बनता है, व्हाइट कलर का होता है। अच्छा। बहुत मीठा होता है। अच्छा। पानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाई टाइड एंड लो टाइड होता है। अच्छा। जैसा कि नीचे देख के आराम से आना है। देख के आओ। ये देव कुलाल से मार के उसको तोड़ के लेके जाने का भी कोशिश करते हैं। बहुत दुख के बात है दोस्तों, गाइड साहब बता रहे हैं कि यहाँ का जो कॉरल्स है आम लोग या टूरिस्ट इसको तोड़ के घर ले जाने की कोशिश भी करते हैं। मेरे आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अगर यहाँ पे विजिट करते हो तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको बिल्कुल नुकसान मत पहुँचाइए। लेकिन फाइंडिंग नीमो जो है खुद का घर होता है सी में। ओके। घर का नाम है सी एनिमल। ओके। वो एक एनिमल है मैग्नेटिक टाइप का। ओके। तो हाथ डालने से कपल और एक बेबी आ जाता है। अच्छा। तीन ही है यहाँ पे। एक्चुअली ये डीप सी का फिश है। डीप सी में इसको भाई स्नॉर्कलिंग करने से बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे शैलो वाटर में नहीं होता है, जगह है जहाँ पे आप शैलो वाटर में देख सकते हो। ओके। वहाँ पे टच नॉट एक फ्लावर रहेंगे, टच करेंगे अंदर चला जाए फिर से बाहर आ जाए वो देख पाएंगे। उसका संग सैंडी सी कुकुम्बर वो देख पाएंगे, मेडिसिनल एनिमल होता है वो। और सी भी जापानीज लोग सुशी फूड में यूज करते हैं सी कुकुम्बर को। अच्छा। प्रोटीन पाउडर भी बनता है उससे। हाँ हाँ हाँ। जैसा दिखने में। ओके। अच्छा। तो यहाँ पे जाने के लिए दोस्तों बहुत ध्यान से चलना होगा। डेड कॉरल्स के ऊपर आप चल के जा सकते हो, लेकिन लाइव जो कॉरल्स है जिसके ऊपर पानी लगा हुआ उस पर बिल्कुल पाँव नहीं रखना चाहिए।
এই ব্রিজটা হ্যাঁ চলা থেকে কি ভাই और यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो पानी वाला साइड है साइड में पैर मत रखिए, स्लीपर ही रहेगा, ओके ओके, गिरने का चांस रहेगा, ड्राई प्लेस में ही पैर रखिए। ठीक ठीक ठीक। स्लीप उसमें नहीं रखना। यहाँ पे देख लीजिए नेचुरल ब्रिज, इसको नेचुरल ब्रिज बोलते हैं क्योंकि ये टूट के ब्रिज टाइप का बन गया, पानी का प्रेशर से टूटा है। ओके। हाई टाइम में किनारे का पानी चला जाता है। अच्छा। तो जो पानी का प्रेशर होता है प्रेशर से कट होके इस तरह बन गया। ओके। पीछे में और एक सेकंड ब्रिज आप दूर से देख पाएंगे, वो ज्यादा दिन नहीं हुआ है बन के, लेकिन बहुत टाइम पे हम लोग इसको बचपन से इस तरह देखते हैं। ओके। पूरा तुरान से बना है, माउंटेन पूरा। ओके। कोई भी एक टाइम में वो भी लिविंग थे, ये एक्चुअली भूकंप का वजह से ये सब आइलैंड अप डाउन हुआ है, तो ऊपर आने के बाद ये धीरे धीरे डायरेक्ट सनलाइट गिरने की वजह से डेड हो गया। जैसे कि पोर्ट ब्लेयर में कुछ कुछ जगह थे 2004 में जब सुनामी हुआ था, तो कुछ कुछ जगह जमीन थे वो सब अभी समुंदर बन गए, तो भूकंप की वजह से थोड़ा डाउन हो गया। चलिए एक फोटो ले लेते हैं ब्रिज का संग, उसके बाद मरीन लाइफ दिखाना। ठीक है। अलग करके टूटा नहीं, बहुत हार्ड होता है। देख लीजिए यहाँ पे कलर, देखिए कॉलीफ्लावर पूरा नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारा है वाला ब्रेन पूरा है, दिख रहा है ब्रेन पूरा, ये भी ब्रेन पूरा है बन रहा है। देखिए ऑफिशियल, देखिए टाइगर फिश एंड जेब्रा फिश, जेब्रा फिश यहाँ पे दो चार ही है, छोटा छोटा लाइन रहेगा। ओके। येलो का अंदर हल्का, देखिए ग्रीन लाइन रहेगा, और बाकी जो एश कलर में है सारा टाइगर फिश है। अच्छा। अच्छा। आगे में भी देखिए फिंगर पूरा ट्री जैसा, फिंगर ट्री जैसा वाला। तो दोस्तों बहुत वैरायटी फिश कॉरल सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों वैरायटीज ऑफ फिश कॉरल्स ये सब देखने के बाद अभी हम नेक्स्ट स्पॉट की ओर जा रहे हैं, जो होगा सनसेट बीच। तो ये लक्ष्मणपुर बीच नील का सबसे फेमस बीच है सनसेट पॉइंट के लिए, बहुत ही सुंदर सनसेट यहाँ से अभी आप लोग देख पाओगे। डे वन का लास्ट पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत सनसेट देखने के बाद अभी मैं अपने फैमिली के साथ वापस होटल की ओर जा रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, नील का सफर खत्म करने के बाद अब मैं वापस पोर्ट ब्लेयर की ओर बढ़ रहा हूं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको हैवलॉक का वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें मैंने प्राइवेट फेरी प्रेफर किया हुआ है। तो एक नया वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। अंडमान से रिलेटेड कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।